बिहार के रोहतास में बारिश के बाद पानी में फंस गई एक कार गुप्ता धाम की घटना है। कार सवार की जान बची, यहां कई दुकानें भी इस सैलाब में बर्बाद हो गईं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नर्मदा नदी का पानी बढ़ा तो घाट पर डूब गए मंदिर, तट पर हादसे ना हो इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी के इटावा में अंडरपास के पानी में डूब गया एक ट्रक, ड्राइवर ने ट्रक की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बाद में दमकल विभाग ने सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला। अंधेरे में पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से ये हादसा हुआ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में रास्तों पर पहाड़ों से गिर रहे हैं पत्थर, कई जगह रूट प्रभावित हुए। बारिश के बाद मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का लेवल भी बढ़ा है। पटना में फुलवारी के टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार दानिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। यही नहीं, इस केस की जांच में पहले से लगी एसआईटी के अफसरों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के आरोपियों को सीपीआई एमएल विधायक गोपाल रविदास ने बताया बेकसूर। कहा, जिस अहमद पैलेस से इनकी गिरफ्तारी हुई है वो तो मेरा चुनावी दफ्तर है, सबूत मिल जाए तो राजनीति छोड़ दूं। भाजपा आरएसएस की एक बड़ी साजिश है जो फुलवारी जैसे जो मुस्लिमों का गढ़ है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एविडेंस नहीं है, हम निर्दोष से मान रहे हैं, अगर एविडेंस है तो साक्ष्य प्रस्तुत करें। यूपी के प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में बच्चे समेत कई लोग नमाज पढ़ते नजर आए, पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में खुले में नमाज पढ़ना 8 लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने केस दर्ज कर 8ों को पकड़ा। सभी पर अशांति फैलाने की धारा 151 के तहत केस दर्ज किया गया है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक बच्चे को राइफल की ट्रेनिंग देने की घटना सामने आई। इब्राहिमपुर गोपालपुर गांव का ये मामला है। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएफआई का गजवाए हिंद हनी ट्रैप वाला रात 8 बजे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार ने केजरीवाल सरकार की शराब नीति की सीबीआई जांच से सिफारिश की। आरोप लगाया कि नई आबकारी नीति कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। आम आदमी पार्टी बोली, डर गई है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी से और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल से काफी घबराए हुए हैं। दिल्ली संभाली नहीं गई, पंजाब संभाला जा नहीं रहा, सिर्फ ठेके खोलना चाहते हैं, ठेकेदार की सरकार बन चुकी है, तो आम आदमी पार्टी का नाम बदल के ठेकेदार की सरकार कर दे। दरअसल दिल्ली के मुख्य सचिव ने की थी शराब नीति की जांच। दावा है जांच में पाया गया शराब नीति से मनीष सिसोदिया ने गलत तरीके से कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। 144 करोड़ की छूट दी गई। सिसोदिया ने ही नई शराब नीति को फाइनल किया था। कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है, उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मूसेवाला की हत्या के बाद एक गैंगस्टर सतबीर ने कनाडा से तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को फोन किया था और मूसेवाला के मारे जाने के मिशन की पूरा होने की जानकारी दी थी। तिरंगे पर पीएम मोदी की अपील के बाद सियासत भी तेज हुई। कांग्रेस ने कहा, खादी से तिरंगा बनाने वालों की रोजी रोटी छीन रही है सरकार और अब चला रही है घर घर तिरंगा। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा का बड़ा बयान, कहा शिकारीपुरा से अगला चुनाव उनके बेटे बीएसवाई विजेंद्र लड़ेंगे। येदुरप्पा बोले,
वे शिकारीपुरा सीट छोड़ रहे हैं। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की हेमंत सोरेन सरकार पर संकट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए झारखंड में 12 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में भी कल झारखंड में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के 10 विधायक शामिल नहीं हुए थे। कयास लग रहे हैं बगावत के। सी वोटर के सर्वे में सवाल, क्या द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में फायदा होगा, तो 68% लोगों ने कहा हाँ। महंगाई के मुद्दे पर आज भी विपक्ष ने संसद में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दोनों सदनों में हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। पीएम मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम से जुड़ने की अपील की। 13 से 15 अगस्त को घर पर तिरंगा लहराने के लिए कहा। 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बना था। अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हमला। दफ्तर के ऊपर जगह जगह लिख दिया हज हाउस। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के उस बयान का विरोध किया जिसमें उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों का देश के साधनों पर पहला हक है। सी वोटर के सर्वे में जब पूछा गया देश के संसाधनों पर पहला हक क्या अल्पसंख्यकों का है, ये बयान गलत है या सही, तो 34% लोग बोले सही, गलत कहने वाले 66% रहे। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मोदी सरकार की केंद्रीय कमेटी पर हो गया है विवाद। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा पंजाब के लोगों को शामिल ना कर नजरअंदाज किया जा रहा है। भगवंत मान ने पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ कृषि मंत्री को भी चिट्ठी लिखी। मध्य प्रदेश के भिंड में एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ। प्रशासन ने रेत के अवैध खनन में लगे 76 ट्रक जब्त किए। सिंध नदी में पानी का तेज बहाव आने से सैकड़ों ट्रक फंस गए थे। ये सभी ट्रक रेत के अवैध खनन के लिए पहुंचे थे। इस खबर को एबीपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। यूपी के कानपुर में बीजेपी पार्षद के भतीजे की गोली मारकर हत्या। पुलिस का दावा है पारिवारिक रंजिश में पड़ोसी युवक ने पहले गोली मारी फिर ईंट से सिर कुचल दिया। बात करने के बहाने बाहर बुलाया था। 6 लोग इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली के लॉरेंस रोड इलाके में 2 फैक्ट्रियों में आज भीषण आग लग गई। आसमान में छाया धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भारत बांग्लादेश सीमा पर नदी के रास्ते सोने की तस्करी का खुलासा। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने 21 करोड़ का अवैध सोना पकड़ा। 321 सोने के बिस्किट थे। इच्छामती नदी के रास्ते होती है सोने की ये तस्करी। दिल्ली एनसीआर में कांवड़ यात्रा की वजह से ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन की तस्वीरें आई। यूपी के प्रयागराज में नामी स्कूल बीएचएस के गेट पर अज्ञात बदमाशों ने देसी बम फेंके। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। कुछ ही देर में होने वाली थी बच्चों की छुट्टी। पुलिस अब सीसीटीवी तस्वीरों से सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में एक बार फिर लड़कियां लड़कों से ज्यादा पास हुई हैं। 92.71% छात्र पास हुए जबकि लड़कियां 94.54% पास हुई हैं। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा के भी नतीजे घोषित हुए। 94% छात्र इस बार पास हुए हैं। लड़कों से 0.25% ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। देश में कोरोना के मामले और उससे होने वाली मौत लगातार बढ़ रही है।
पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 21,880 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 60 लोगों की एक दिन में जान गई है। दिल्ली के जाफराबाद में भाईचारे का अद्भुत नजारा देखा। जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने मस्जिद के बाहर कांवड़ियों पर बरसाए फूल। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते ही सरकारी इमारतों से आम लोगों को हटाया गया। अब सेना ने हर जगह तैनाती की है। रात को लोगों के तंबू हटाए गए। ये राष्ट्रपति का सचिवालय है जो कि पुराना संसद भवन था और फिलहाल मौजूदा राष्ट्रपति का सचिवालय है। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था, लेकिन अब यहाँ पर सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं, सेना के जवान नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के कब्जे से इसको छुड़ा लिया है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, इष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमंत दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।